नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने मीडिया में व्यापारी व किसानों से बातचीत करने के बाद कहा कि किसान अपनी सरसों को बेचने के लिए मंडियों में धक्के खा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने सरसों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 4200 रुपये प्रति क्विंटल का रेट रखा हुआ है, मगर सरकार द्वारा अब तक किसान की सरसों का एक भी दाना हरियाणा में खरीदा नहीं गया है। किसान मजबूरी में अपनी सरसों को 32 रुपये बेचने के लिए जगह जगह धक्के खा रहे हैं। इसी तरह पिछले साल भी सरसों के सीजन में सरकार द्वारा सरसों की पैदावार का सिर्फ 10% ही सरसों खरीदा गया था, जिससे किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ था। अमृतसर तक बनने वाली नेशनल हाईवे को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किसानों और अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई, जिसमें जिला प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से किसानों की आपत्तियां सुनी गईं। इस दौरान अधिग्रहण की एविस में किसानों को जमीन के रेट देने पर काफी देर तक बहस चली। किसानों का कहना था कि औने पौने दाम पर हम हाईवे बनाने के लिए जमीन नहीं देंगे। किसानों ने जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर जमीन देने से इनकार कर दिया। SDM कपिल यादव सहित अन्य अधिकारियों ने कहा कि नियमानुसार जो भी रेट है वो किसानों को दिया जाएगा, जमीन अधिग्रहण नियमानुसार ही किया जाएगा। गेहूं खरीद में महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र पर पहले महिला किसानों के गेहूं की खरीद की जाएगी। धान के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराने वाले किसानों को गेहूं खरीद में पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा, साथ ही महिलाओं को गेहूं खरीद में वरीयता दी जाएगी। शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 1840 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, साथ ही किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उतराई भी मिलेगा। इसी के साथ 100 क्विंटल तक बिक्री करने वाले किसानों को सत्यापन नहीं कराना पड़ेगा। भरूच जिले के किसान अल्केश भाई पटेल ने चंदन की खेती को शुरू करने का काम शुरू किया है। दरअसल किसान ने इसके लिए 2010 से 11 में स्थानीय विधायक और ईश्वर सिंह पटेल की मदद से वन विभाग से चंदन के पौधे लिए थे। किसान अल्पेश ने कुल 2 एकड़ की जमीन पर चंदन की खेती को किया है। अभी सारे पौधे चंदन के बड़े बड़े पेड़ बन चुके हैं। इन सभी पेड़ों की कीमत कुल 30 करोड़ रुपए हो चुकी है, जिसके चलते किसान को अब आमदनी में भारी मुनाफा होने की उम्मीद है। ई पेमेंट के जरिए किसानों को बीज खाद पर मिलने वाली सब्सिडी अधर में लटक गई है। कृषि निदेशालय की ओर से एक महीने तक प्रतिबंधित किए गए विभिन्न पोर्टल के चलते योजनाओं के बिल पासिंग और ई पेमेंट की कार्यवाही रुकी हुई है। कोषागार ने 20 मार्च तक बिल लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। 1500 से अधिक किसानों के खाते में लगभग 35 लाख रुपए का DBT के जरिए भुगतान होना है। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।